नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दो बच्चों के इस तरह से बिहेव करने का कारण भी पेरेंट्स ही हो सकते हैं। जी हाँ, माँ बाप की कुछ आदतों की वजह से बच्चे में गुस्सा या आक्रोश आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेरेंट्स की किन आदतों की वजह से बच्चों में गुस्सैल व्यवहार विकसित हो जाता है। वो जो है जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और जिद्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहली बात है आलोचना। माता पिता की सबसे आम आदतों में से एक है बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर भी उनकी लगातार आलोचना करना। जब माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को बार बार इंगित करते हैं तो इससे बच्चे में निराशा और गुस्से का भाव पनपता है। बच्चों को यह महसूस होता है कि वे कुछ भी सही नहीं कर सकते और यह भावना उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लगातार आलोचना से बच्चे के मन में नकारात्मकता बढ़ती है और वह क्रोधित हो सकता है। नेक्स्ट है तुलना करना। तुलना करना बच्चों के गुस्से का एक प्रमुख कारण हो सकता है। जब माता पिता अपने बच्चे की तुलना उनके भाई बहनों दोस्तों या किसी और से करते हैं तो बच्चों को लगता है कि वे कामचोर हैं या उनकी कोई कद्र नहीं है। इससे बच्चे के मन में असुरक्षा और हीनता की भावना पनपती है जो आगे चलकर गुस्से में बदल सकती है। तुलना से बच्चे में जलन और क्रोध का निर्माण होता है जिससे वे और भी ज्यादा व्यवहारगत समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे की भावनाओं को समझें। माता पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। जब माता पिता बच्चों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं या उन्हें तुच्छ समझते हैं तो इससे बच्चे के मन में नाराजगी और गुस्से का भाव बढ़ता है। बच्चे यह महसूस करते हैं कि उनके माता पिता उनकी भावनाओं को महत्व नहीं देते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है और उनके अंदर गुस्से की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट है जरूरत से ज्यादा नियंत्रण। कुछ माता पिता अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखते हैं और हर छोटी बड़ी बात पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि यह नियंत्रण उनकी भलाई के लिए हो सकता है लेकिन इससे बच्चों को अपनी स्वतंत्रता पर चोट महसूस होती है। जब बच्चे को अपने निर्णय लेने की आजादी नहीं मिलती है तो वह अपने माता पिता के प्रति गुस्सा महसूस कर सकता है। बच्चों को अपने जीवन में थोड़ी आजादी और स्वतंत्रता की जरूरत होती है ताकि वे अपने निर्णय खुद ले सकें और उनकी जिम्मेदारियों को समझ सकें। बच्चे की बातों को सुने। माता पिता का अपने बच्चों की बातें न सुनना भी गुस्से का एक कारण हो सकता है। जब बच्चों को यह महसूस होता है कि उनके माता पिता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते या उन्हें महत्व नहीं देते तो उनके मन में गुस्से का भाव उत्पन्न होता है। हर बच्चे को यह महसूस करना जरूरी है कि उसकी बातें सुनी जा रही हैं और उसे समझा जा रहा है। जब माता पिता बच्चों की बातें नहीं सुनते हैं तो वह महसूस करता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है जिससे उसके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करता है, बेल आइकन को प्रेस करता है जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।